बिहार का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़की जो कि मनुस्मृति को आग लगाते हुए नजर आ रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही सोशल मीडिया पर मानो भूचाल सा आ गया। लोग वीडियो को तेजी से शेयर कर रहे हैं और कुछ लोग इस लड़की के समर्थन में कमेंट भी कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस वीडियो में दिखाई दे रही लड़की ने हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाई है। वीडियो में प्रिया दास कहती है, मनुस्मृति को जलाना सिर्फ सांकेतिक और एक तत्कालीन घटना है। उसकी नींव और उद्देश्य बहुत पहले ही बाबा साहेब ने रख दिया था। इसको जलाना किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि मेरा मकसद घटिया पाखंडवाद और ढोंग के विचारों पर वार करना है। प्रिया दास ने आगे कहा कि ये किताब बिल्कुल भी सही नहीं है। किताब का अर्थ है उससे शिक्षा मिलना, ज्ञान मिलना, और एक ऐसी किताब है जो लोगों के बीच ऊंच नीच, भेदभाव और एक दूसरे को बांटने का काम करती है। इस किताब का विरोध होना ही चाहिए। ये तो बस एक किताब है, इसका तो अस्तित्व ही मिटाना है। वीडियो में ये लड़की पहले मनुस्मृति की किताब को चूल्हे की मदद से आग लगाती है, फिर जलती हुई किताब से अपने मुंह में रखी सिगरेट को जलाती है। सिगरेट जलाने के बाद लड़की मुंह से धुआं निकालती है, किताब को चूल्हे में झोंक देती है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है और लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। इस दौरान प्रिया दास को समर्थन तो मिल रहा है, वहीं प्रिया दास को धमकी भी दी जा रही है।